हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एम आई प्रॉपरली ऑडियबल इनविजुअल ओके अजय जी आ चुके हैं गुड इवनिंग ऑल क्लियर ऑल क्लियर ओके अमित जी क्लियर सब कुछ सौरभ जी का भी आंसर आ गया क्लियर सब कुछ ओके okay. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मतलब पहले ही आप लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि सर आएँ और उसके पहले हम अपने कमेंट बाजी शुरू कर दें ठीक है सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा सेशन इज़ लाइव नाउ सो ज्वाइन अस सभी लोग ज्वाइन करें जल्दी से एज द सेशन इज लाइव चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए यहाँ पर बिना देरी किए हुए ओके 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 बिना देरी किए हुए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम विदाउट एनी डिले, वी आर स्टार्टिंग नाउ तो हम बात करते हैं वॉट इज द रिजल्टेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द कंप्रेशन फोर्स फ्रॉम द टॉप एक्सट्रीम फाइबर एस आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड अगर हम बात करते हैं आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड के अकॉर्डिंग प्रणाम अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं आई एस डिजिटल वर्ल्ड की जगह बैक वेंचर नाम रख लिया है क्या डिजिटल वर्ल्ड ही क्या बैक वेंचर है तो अगर हम बात करें एक्स यू इज इक्वल टू क्या है डेफ्त ऑफ न्यूट्रल एक्सेज एक्स यू इज इक्वल टू क्या है डेफ्त यू न्यूट्रल एक्सेस ठीक है चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कितना होता है डायरेक्टली जीरो पॉइंट फोर टू एक्स सॉरी जीरो पॉइंट फोर टू एक्स यू निकल करके आ जाता है कितना जीरो पॉइंट फोर टू एक्स यू अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अलग आंसर निकल के आएगा सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा काफी लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें हम बात करते हैं क्या होता है सी वन इंटू बाई वन प्लस सी टू इंटू बाई टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इस तरीके से बाई वार करके निकालते हैं और उसके बेसिस पे वैल्यू निकालते हैं जीरो पॉइंट फोर टू एक्स क्यू ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोरोना हुआ बच्चे को किस को बच्चे को कोरोना हुआ चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू वन का ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं इसका आंसर बताइएगा जल्दी से कोई बात नहीं सौरभ आप रेस्ट कीजिएगा आराम से रेस्ट कीजिएगा ठीक है रेस्ट जरूरी है ठीक है रेस्ट कीजिएगा तबियत ठीक कीजिएगा और कोई इश्यूज़ नहीं है ठीक है पेशेंस रखिएगा चलो यहाँ पर बी ओके okay. चलो इन स्टील रूफ ट्रसेस इफ द एंगल आयरन पर्लन इज यूज अगर एंगल आयरन पर्लिन तो इट्स डेप शुड नॉट बी लेस देन इसकी डेप्थ किससे कम नहीं होना चाहिए जनरली हम बात करें हैं पल्लिंग कब कर यूज करते हैं जब एंगल जो हो वो लेस देन थर्टी डिग्री यूज हो ठीक है एंगल आयरन पर्लिन कब यूज करते हैं तो एंगल लेस देन थर्टी डिग्री हो और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो स्पाइन ऑफ पर्लिंग वन बाई फोर्टी फाइव ऑफ स्पाइन ऑफ पर्लिंग होती है तो डेप्थ इससे कम नहीं होना चाहिए इट्स डेप्थ इट्स इससे कम नहीं होना चाहिए ठीक है पारुल जी एन बी सी सी जे ई के प्रैक्टिस सेट सीरीज आ, आएंगे बेटा अभी इस बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है आप ये प्रैक्टिस सेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं ठीक है थीके? तो अगर हम बात करते हैं वन बाई सिक्सटी अगर हम बात करते हैं किस केस में होता है जब हम बात करें विर्थ विर्थ शुड नॉट बी लेस देन अगर हम बात करें विर्थ शुड नॉट बी लेस देन कितना वन बाई सिक्सटी ऑफ स्पान ऑफ पार्लिन के बराबर हो जाए अगर मैक्सिमम मूवमेंट बात करें तो मैक्सिमम मूवमेंट कितना निकल के आता है डब्लू एल वाई टेन और डब्ल्यू क्या होता है टोटल लोड होता है टोटल यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड निकल करके आता है यहां पर डब्लू एल वाई टेन निकल करके आता है तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहां पे मिल रही है ठीक है चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से आंसर दीजिएगा बिल्कुल एक दिन रेस्ट ले लीजिएगा जिससे आपको आगे प्रॉपर रहेगा ठीक है चलो सेशन को शेयर कीजिए जल्दी से गुड इवनिंग और सेशन को लाइक कीजिएगा यार विच टाइप ऑफ स्टील एक्सपीरियंस एनी शेयर लैग इफेक्ट वेन कनेक्टेड टू अ गजेटेड प्लेट अगर हम बात करते हैं कौन से टाइप का जो स्टील मेंबर है इंटेंशन में जो एक्सपीरियंस नहीं करेगा शेयर लैग इफेक्ट वेन कनेक्टेड टू द गजेटेड प्लेट अगर हम बात करते हैं गजेटेड प्लेट से कनेक्टेड रहेगा तो शेयर अगर हम शेयर लैग इफेक्ट की बात करते हैं तो शेयर लैग इफेक्ट होता क्या है सबसे पहले बात करना है शेयर लैग इफेक्ट होता क्या है शेयर लैग इफेक्ट की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग होता है नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ मेंबर नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ मेंबर हमारा क्या कहता है नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ मेंबर हमारा क्या कहा जाता है <LE> शेयर लैग इफेक्ट कहा जाता है और अगर हम शेयर लैग इफेक्ट की बात करें तो यह किस कारण से होता है जब लोड का सीजी और हमारे गजट प्लेट का जो असेंबली बनाई गई उसका सीजी दोनों डिफरेंस करते हैं तो इसेंट्रिसिटी के कारण शेयर लैग इफेक्ट जनरेट हो जाता है तो अगर हम बात करते हैं इन सभी में यहां पर शेयर लैग इफेक्ट आ जाएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा आई सेक्शन में अगर हम बात करें गजट प्लेट के ऊपर लगाएंगे तो यहां पर भी शेयर लैग इफेक्ट निकल करके आ जाएगा इस तरीके से और अगर हम एंगल वन लैग कनेक्टेड टू द गजट प्लेट तो भी हमारा आ जाएगा और टू एंगल्स कनेक्टेड बैक टू बैक तब भी हमारा आ जाएगा लेकिन

गुड इवनिंग सैमी साफी जी बहुत दिनों बाद द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ फ़िक्स्ड बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू इज गिवन बाय ठीक है डब्ल्यू इज गिवन बाय अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फॉर यूनिफॉर्मली यूडीएल है किसके फिक्स्ड बीम के ऊपर इसका अगर हम बात करें डिफ्लेक्शन जो दिया जाएगा वो किस फॉर्मूले से दिया जाएगा अगर डिफ्लेक्शन की बात करें तो किससे दिया जाएगा हम बात करते हैं यहां पर डब्ल्यू एल फोर अपॉन थ्री एटी फोर ई आई से दिया जाएगा अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड होता है तो सिंपली सपोर्टेड के किस में क्या होता है फाइव बाई थ्री एट्टी फोर डब्ल्यू एल फोर अपॉन ई आई निकल करके आता और अगर हम बात करें डब्ल्यू एल फोर अपॉन थ्री ई आई किस केस निकल के आता है ये निकल के आता है कैंटी लीवर में यू वी एल का केस कैंटी लीवर में क्या निकल करके आता है यू वी एल का केस निकल करके आता है कैंटीलिवर में यूबीएल का केस यहां पर निकल करके आ रहा होता है तो ये हमारा कैंटी में यूबीएल का केस निकल के आ रहा है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया सही है लोगों के सही है ओके तो हम बात करते हैं ये सिंपली सपोर्टेड का निकल के आएगा देखिएगा फिक्स्ड बीम का पूछा गया है क्लियर है चारों ऑप्शंस बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं आप बीम बीम क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड इन टू डिफरेंट ओरियंटेशन एज शोन इन द फिगर गिव इन बिलो ठीक है तो अगर हम बात करते हैं शोन इन द फिगर गिव इन फिलो अगर हम बात करते हैं शोन इन द फिगर गिव इन फ्लो की बात करते हैं ठीक है बैक वेंचर तपस्िंगा अच्छा चलो तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या बोल रहा है हम बोल रहे हैं बैंडिंग मूवमेंट अप्लाइड टू द बीम इन बोथ द केस आर सेम देन द मैग्म बैंडिंग स्ट्रेस इज इंड्यूज इन केस एंड केस बी विल बी केस ए एंड केस बी की बात करते हैं हाँ स्लोप में ट्वेंटी आ जाएगा ठीक है चलो तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निकालने की बात करते हैं देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि हमें बाइडिंग स्ट्रेसेस निकालनी तो क्या होता है बाइंडिंग स्ट्रेस एम बाई जेड निकल करके आएगा सिंपली एम बाई जेड जेड क्या होता है सेक्शन मॉडल और जेड की वैल्यू क्या होती है बी डी स्क्वायर वाई सिक्स निकल करके आती है बी डी स्क्वायर वाई सिक्स निकल करके आती है तो बस रख दो अगर हम बात करें सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन बी डी स्क्वायर वाई सिक्स निकल करके आ रहा है एम दोनों केस में सेम है तो सिग्मा डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन बी डी स्क्वायर हो जाएगा यानी तो हम बात करें सिग्मा इन ए केस अपॉन सिग्मा इन बी केस अपॉन बी डी स्क्वायर इन बी केस अपॉन बी डी स्क्वायर इन ए केस तो बी डी स्क्वायर इन बी केस की बात करें तो बी की जगह क्या रखा जाएगा बी बाई टू और डी की जगह क्या रखा जाएगा बी का स्क्वायर अपॉन यहाँ नीचे क्या रखा जाएगा बी की जगह रखा जाएगा बी और डी की जगह रखा जाएगा बी बाई टू का होल स्क्वायर बस इसको ही तो सॉल्व करना है तो हम बात करेंगे बी क्यू बाई टू और ये कितना निकल के आएगा ये निकल के आएगा बी क्यू बाई फोर निकल करके आएगा तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल तो बचा कितना टू तो सिगमा इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ सिगमा वी निकल करके आएगा सिगमा इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ सिग्मा बी तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर टू इज द राइट आंसर क्लियर है फाइव बी लॉक कर दें अच्छा लॉक कर दिया साहब ठीक है तो यहाँ पर हमारा फाइव का बी नंबर आंसर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये सिक्स नंबर की बात करते हैं जल्दी से आंसर दीजिएगा तो भैया सेशन को शेयर कर दो और जल्दी से सेशन में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा सभी लोग ठीक है चलो फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एग्रीगेट्स हैविंग साइज लेस देन। हैविंग साइज लेस देन अगर हम बात करते फ्लैकीनेस इंडेक्स जो है हम किस पार्टिकल साइज के लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं तो वो पार्टिकल जिनके लिए साइज 6.3 पॉइंट थ्री से छोटा होता है उनके लिए फ्लैकीनेस इंडेक्स काउंट नहीं किया जाता है फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं जो लीस्ट डायमेंशन होता है फ्लैकी पार्टिकल कौन से होते हैं जो लीस्ट डायमेंशन अगर पार्टिकल का है लीस्ट डायमेंशन किसके छोटा है 0.6 पॉइंट टाइम ऑफ मीन डायमेंशन से छोटा होता है तो वो हमारे एग्रीगेट कैसे कहे जाते हैं फ्लैकी कहे जाते हैं कैसे कहे जाते हैं हमारे फ्लैकी एग्रीगेट कहे जाते हैं तो हम यहां पर इतनी जानकारी निकाल सकते हैं ठीक है थीके? बहुत बढ़िया सिक्स का टू कैसे टू थोड़ी ना होता है फोर होगा भैया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ नंबर अ गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन एल्यूमिना इन द फॉलोइंग लिमिट्स एक गुड ब्रिक अर्थ है उसको एलुमिना जो रख रहा है वो किस रेंज में रख रहा है ठीक है तो अगर हम बात करें अगर ब्रिक की बात करें तो हम सबसे ज्यादा ये रखता है सिलिका सिलिका कितना रखता है अगर हम बात करें तो सिलिका सिलिका की बात करें तो सिलिका कितना रख रहा है ये पचास से साठ प्रतिशत रख रहा है पचास से साठ प्रतिशत ठीक है और यदि हम बात करते हैं यहाँ पर एल्यूमिना तो एल्यूमिना कितना रख रहा है एल्यूमिना कितना रख रहा है बीस से तीस प्रतिशत रख रहा है कितना बीस से तीस तो प्रतिशत रख रहा है ठीक है और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लाइम तो लाइम की बात करते हैं तो कितना रखा है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन फाइव परसेंट और आयरन ऑक्साइड की बात कर लें तो आयरन ऑक्साइड कितना होना चाहिए ये होना चाहिए फाइव फाइव परसेंट के लगभग यहाँ पर निकल के फाइव टू सिक्स परसेंट जनरली हम लेकर के चल रहे होते हैं ठीक है थीके? तो हम बात करते हैं यहाँ पर किसका पूछा गया एल्यूमिना एलुमिना कितना होता है बीस से तीस तो प्रतिशत ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दें ठीक है बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया चलो तो देखो जो लोग रेगुलर हैं प्लीज रेगुलर रहिएगा रेगुलर रहने से क्या होता है कंसिस्टेंसी बनी होती है अदरवाइज कंसिस्टेंसी छूट जाती है फिर चीजें छूट जाती हैं तो प्लीज बी रेगुलर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एर्थ नंबर द स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस इन स्क्वायर सेंटीमीटर देखो दो दो बार स्क्वायर सेंटीमीटर लगता है हटा दो स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम ऑफ अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन हम क्या बात करते हैं शुड नॉट बी लेस देन किससे कम नहीं होना चाहिए किसके लिए पूछ रहा है भैया पोर्टलैंड सीमेंट के लिए गुड पोर्टलैंड सीमेंट मतलब हम जनरली ओपीसी की बात कर लेते हैं तो ओपीसी के लिए बात करते हैं जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो किससे कम नहीं होना चाहिए वो कम नहीं होना चाहिए टू टू फाइव जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम तो पर यूनिट मास में कितना एरिया कवर अप कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है स्पेसिफिक सरफेस कहा जाता है स्पेसिफिक सरफेस और जो पार्टिकल जितना ज्यादा फाइन होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा अगर हम पीपीसी की बात करें तो पीपीसी फाइननेस ज्यादा होगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया है. ठीक है और अगर हम रैपिड हार्डनिंग सीपेंट की बात करें रैपिड हार्डनिंग सीपेंट की बात करते हैं <coughs> रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करते हैं हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है तो इसके लिए कितना होना चाहिए शुड नॉट बी लेस देन बत्तीस पचास सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम ये और भी ज्यादा फाइन हो गया और ज्यादा फाइन होने के कारण जल्दी रिएक्शन कर लेता है ठीक है तो हमारा ऑप्शन यहां पर तीसरा आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया यार सभी लोग सही जा रहे हैं बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ नंबर इफ पी इज द अब देखो इसका आंसर सभी को पता है वो भी फोर्टी थ्री ग्रेड अच्छा बहुत बढ़िया तो अगर हम बात करें इफ द पीस द परसेंट अब देखो उसमें परसेंटेज का ऑर्डर भी पूछ सकता था ठीक है परसेंटेज फाइननेस का जो ऑर्डर है सॉरी फाइनेस का जो ऑर्डर है, है वो भी पूछ सकता है तो ये सारी चीजें याद होंगी तो फाइननेस का ऑर्डर निकल के आएगा एक मिनट दीजिएगा मुझे एक मिनट इसका आंसर बताइए जल्दी से अनस्टॉपेबल वॉय आ चुके हैं अनस्टॉपेबल वॉय बहुत बढ़िया चलिए तो अगर हम बात करते हैं यहां पर जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये क्या बोल रहा है इफ पी इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी एंड वाटर टू बी एडेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कितना लिया जाता है पॉइंट एट फाइव पी लेकर के चलते हैं कितना पॉइंट एट फाइव पी अच्छा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कितना लेकर के चलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कितना लेकर के चलते हैं वो हम कितना लेकर चलते पी बाई फोर प्लस थ्री परसेंट लेकर के चलते हैं अच्छा ये बता दो साउंडनेस के लिए कितना लेकर के चलते हैं साउंडनेस के लिए कितना लेकर के चलते हैं जीरो पॉइंट सेवन एट पी लेकर के चल रहे होते हैं तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर चलो यहां पर इतनी जानकारी मिली चार हजार पी अच्छा चलो <laughs> चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ नंबर ओके टेंथ नंबर टेंशन के लिए पी वाई फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव ओके अनस्टॉपेबल बहुत बढ़िया चलो तो अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड प्लाईवुड क्या होते हैं प्लाईवुड जो होते हैं जो वीनर्स होते हैं प्लाईवुड क्या होते हैं छोटे छोटे वीनर्स वीनर्स होते हैं यानी पतले पतले पतलेमिना होते हैं उन लेमा को हम क्या बोलते हैं हम अल्टरनेट ऑड नंबर ऑफ लेयर्स में जमाते हैं कितना ऑड नंबर ऑफ लेयर्स में हम जमा रहे होते हैं और ऑल नंबर ऑफ लेयर में इस तरीके किए जाते हैं इनके जो ग्रेन्स हैं, है? हैं वो आपस में क्या रहे हैं परपेंडिकुलर हर लेयर में जो ग्रेन्स निकल के आए वो आपस में क्या रहे परपेंडिकुलर और इस तरीके से इनको जमाने के कारण क्या होता है इसमें अगर हम बात बोलें तो इनकी जो स्ट्रेंथ निकल करके आती है वो सभी डायरेक्शन में सेम निकल करके आती है तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर कि इनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो सभी डायरेक्शन में क्या निकल करके आएगी सेफ निकल करके आएगी ठीक है तो यहां पर ध्यान रखना एक तो ऑर्ड नंबर में जमाते हैं और पतले पतले स्लिम पॉइंट फाइव mm के लगभग बीनर बीनर यहां पर निकल करके आते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अलेवेंथ नंबर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटोमिन रेंजेस अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटूमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है तो वो कहां से कहां तक निकल करके होता है, ठीक है बिल्कुल 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 सही बात है सही आ रहे हो रियली हार्ड वर्क है सर आपका अच्छा धन्यवाद हाँ, हर्षद जी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटोमिन रेंजेस बिटवीन अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ़ विटूमिन कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटोमिन है वो पॉइंट नाइन सेवन से वन पॉइंट जीरो टू तक वैरी करती है पॉइंट नाइन सेवन से वन पॉइंट जीरो टू जनरली क्या होता है पॉइंट नाइन से लेकर के पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन सिक्स तक वैरी करता है और उसके बाद पॉइंट नाइन सिक्स से अलग बिटूमिन के और भी प्रोडक्ट रह जाते हैं उनके लिए वेरी कर रहा होता है तो हम जनरली बोलेंगे पॉइंट नाइन सेवन से वन पॉइंट जीरो टू के बीच में करता है ठीक है पी की दो हजार अठारह का बेटा बेटा तुम ये सेशन में तो आते नहीं हो डेली सुभाष वाला और उसके बाद ऐसे फरमाइस जा रहे हो चलो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो द इनग्रीडियंट ऑफ पेंट विच आर यूज टू हाइड द सरफेस इेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट कलर इज नोन एज अगर हम बात करते हैं प्रिंट अगर हम बात करते हैं यहां पर कि द इनग्रीडियंट ऑफ पेंट विच आर यूज टू हाइड द सर्फेस इन एंड इम्पार्ट कलर इज नोन एज अगर हम बात करते हैं कलर को भी इम्पार्ट कर रहा है सबसे पहले यही पॉइंट पकड़ लो कलर को जो इंपार्ट कर रहा होता है वो पिगमेंट कहा जाता है क्या कहा जाता है पिगमेंट्स और पिगमेंट्स ही कलर यहां पर दे रहा होता है ठीक है अरे ज्ञान सिंह जी आप मास्टर क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं एक बार टेक्सट बुक पे मेल कर दीजिए या फिर वहां से आप जब मास्टर क्लास होती है तो उस समय आप उसके पहले या बाद में पूछिएगा मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं पिगमेंट जो होता है वो पिगमेंट यहां पर इम्पार्ट कर अच्छा ट्रेंड्स क्या होते हैं ट्रेंड्स अडल्ट्रेंड्स ट्रेंड्स जो होते हैं वो एक एडमिक्सचर के टाइप वर्क करने वाले हैं तो ये जो ड्राई करने का काम करते हैं ड्रायर ड्राई करने का काम करते हैं सॉल्वेंट क्या होते हैं जिनमें हम पेंट को मिलाकर पेंट की थिनिंग करते हैं पेंट की थिनिंग करते हैं वो हमारे सॉल्वेंट होते हैं जनरली ये डिफरेंट टाइप के ऑयल्स निकल के आ जाते हैं ठीक है थीके? तेरा क्वेश्चन कहाँ आया है अभी तक तेरा क्वेश्चन कहाँ आया है अभी तक अच्छा ठीक है तो थर्टीन नंबर की आंसर बता दीजिएगा आप चलो आ गया तो अगर हम बात करते हैं थर्टीन नंबर का आंसर चलो तो अगर हम बात करते हैं वाइट कलर पिगमेंट जिंक है बिल्कुल अनस्टॉपेबल वाई चलो चलो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एन एग्रीगेट विच पासिस थ्रो एन ट्वेंटी फाइव एम एम आई एस सी एन रिटेंड ऑन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एम एम सी साइज इज सेड टू बी फ्लैकी इफ़ इट्स लीड्स डायमेंशन इज लेस देन अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्लैकी पार्टिकल के लिए अगर हम बात करते हैं तो फ्लैकी पार्टिकल का जो लीस्ट डायमेंशन होना चाहिए वो शुड बी लेस देन होना चाहिए जीरो पॉइंट सिक्स डायमेंशन तो जीरो पॉइंट सिक्स की बात करें तो कितना हो गया मीन डायमेंशन मीन डायमेंशन कितना होगा पच्चीस प्लस बीस बटे दो तो, तो हमारा कितना निकल करके आएगा तेरह पॉइंट फाइव यही निकल कर आ रहा है क्या सभी का यही निकल कर तेरह पॉइंट फाइव एम एम निकल कर क्या जाएगा तो ऑप्शन नंबर फोर द अच्छा लार्जेस्ट अगर हम बात करें एलोंगेटेड पार्टिकल ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कि अगर हम बात करते हैं यहां पर कि अगर एलोंगेटेड पार्टिकल की बात करें तो एलोंगेटेड पार्टिकल अगर हम बात करते हैं तो एलोंगेटेड पार्टिकल के लिए क्या होना चाहिए जो हमारा लार्जेस्ट डायमेंशन है लार्जेस्ट डायमेंशन है वो क्या नहीं होना चाहिए वो शुड नॉट बी ग्रेटर शुड नॉट बी ग्रेटर अगर हम बात करें शुड नॉट जो हम बात करें शुड नॉट बी लेस देन सॉरी शुड नॉट बी लेस देन अगर हमारे शुड भी ग्रेटर होना चाहिए या शुड नॉट भी लेस देन कितना होना चाहिए नाइन बाई फाइव यानी वन पॉइंट एट टाइम्स नाइन बाई फाइव यानी वन पॉइंट नाइन पाई फाइव और वन पॉइंट एट टाइम्स ऑफ मीन डाया निकल करके आना चाहिए तो ये हमारा निकल करके आ जाता है आंसर इलांगेटेड पार्टिकल के लिए क्लियर है बात चलो बिल्कुल बहुत सही है जवाब चलिए अतुल सिंह जी बहुत बढ़िया फोर्टीन नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं पाइल टू रजिस्ट अपलिफ्ट लोड इज कॉल्ड एस अगर जो पाइल है बी होगा बी कैसे होगा भैया आंसर तो डी ही जा रहा है कैलकुलेशन करने पर कैलकुलेशन करने पे क्या आ रहा है भैया दिन में दो बार क्लास यहां होती है और दो बार मास्टर क्लास होती है तो चार क्लास होती है मेरी ठीक है चलो तो अगर हम बात करते हैं पाइल पाइल यूज टू रजिस्ट अपलिफ्ट लोड इज कॉल्ड एस अगर हम बात करते हैं पाइल जो है जो अपलिफ्ट को रजिस्ट करने के लिए यूज करते हैं वो कौन से हैं तो अपलिफ्ट को रजिस्ट करना है मतलब ये जो पाइल लगा हुआ है इसके ऊपर पाइल कैप लगा दिए और पाइल कैप लगा दिए तो पाइल पर अपलिफ्ट आ रहा है और अपलिफ्ट के कारण पाइल में क्या जनरेट हो जाएगा पाइल में जो जनरेट होगा वो टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा तो ऐसे पाइल को क्या बोला जाएगा ऐसे पाइल को बोला जाएगा टेंशन पाइल क्या बोला जाएगा टेंशन पाइल एंकर पाइल नहीं बोला जाए एंकर पाइल जो होते हैं हम टाइडल रीजन में अगर हम बात करें समुद्री रीजन में स्ट्रक्चर को एंकर करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं उनको एंकर पाइल बोलते हैं कॉम्पेक्शन पाइल क्या होते हैं जनरली कॉम्पेक्शन के लिए जैसे सैंड ड्रेन्स बना देते हैं सैंड ड्रेन्स बनाते हैं उनको हम कॉम्पेक्शन के लिए यूज करते हैं कॉम्पेक्शन पाइल बेटर पाइल क्या होते हैं वो पाइल जो ग्राउंड के अंदर इनक्लाइंड डायरेक्शन में इंस्टॉल होते हैं सो so दैट ये हॉरिजॉन्टल लोड और वर्टिकल लोड दोनों को रजिस्ट कर सकें ऐसे पाइल को हम क्या बोलते हैं बैटर पाइल बोलते हैं ऐसे पाइल को क्या बोलते हैं बैटर पाइल बोला जाता है तो यहां पर हमने आंसर दिया अच्छा मोर् तुबारी जी नया नाम देखने मिल रहा है काफी दिनों बाद चलो ठीक है चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की बात कर लेते हैं भैया फिफ्टीन की बात सभी पाइल को हमने डिस्कशन किया चलो द मेन फंक्शन ऑफ सेंड कॉलम इज सेंड कॉलम का जो मेन फंक्शन है कॉम्पैक्शन क्यों नहीं हुआ क्योंकि कॉम्पैक्शन में नीचे की तरफ लोड लगता है अपलिफ्ट को नहीं हैंडल करेगा कॉम्पैक्शन ठीक है तो अगर हम बात करें मेन फंक्शन ऑफ सेंड कॉलम अगर सेंड कॉलम की बात करें तो सेंड कॉलम कुछ इस तरीके से बनते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें किले का स्ट्रक्चर है मान लो यहां पर तो यहां पर कुछ सेंड ड्रेन्स बना देते हैं क्या करते हैं सैंड ड्रेन्स बना दी जाती है और ये सैंड ड्रेन्स क्या करते हैं इस स्ट्रक्चर का कंसोलिडेशन फास्टर रेट से करा देते हैं इस स्ट्रक्चर का जो कंसोलिडेशन होता है वो फास्टर रेट से करा देते हैं और अगर कंसोलिडेशन फास्टर रेट से करा देते हैं तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट वगैरह अच्छा कर देते हैं और इस सॉइल की स्ट्रेंथ भी बढ़ा देते हैं तो इनको बीक पाइल भी बोला जाता है क्या बोला जाता है बीक पाइल भी बोला जाता है तो इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा देते हैं ठीक है इसकी स्ट्रेंथ भी क्या कर देते हैं बढ़ा दिया जाता है तो अगर हम बात करें फिफ्टीन का तो प्रिवेंट द स्केप ऑफ फाइन सॉइल बाय सीपेज वाटर ऐसा कुछ भी नहीं है भैया रिड्यूस द डैमेज ड्यू टू लिक्विफेक्शन ऑफ सेचुरटेड ग्रेन्युअल सॉइल एंड ड्यूरिंग अर्थवे बिल्कुल सही बात है अगर हम बात करते हैं लिक्विफेक्शन के इफेक्ट को कम कर देंगे क्यों वाटर का एक्सपल्शन कर देंगे वाटर बचेगा नहीं वाटर बचेगा नहीं तो लिक्व होने के चांसेस कम हो जाएंगे मतलब स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तीसरा क्या बोला है रिड्यूस सीपेज ऑफ वाटर थ्रो द बॉडी ऑफ अर्थ डैम वाटर सीपेज को नहीं निकालते हैं क्योंकि थ्रो द बॉडी डैम हम बनाते ही नहीं है फैसिलिटेट द ड्रेनेज ऑफ वाटर थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थन अर्थन डैम के थ्रू हम बनाते ही नहीं हैं हम ग्राउंड में नीचे की तरफ बनाते हैं एम्बैंकमेंट के नीचे बना रहे होते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर चौथा भी ऑप्शन नहीं होगा ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर टू आंसर हाँ अब रिवाइज पलटो पलटू रामो सबके सब पलट जाओ बहुत बढ़िया ठीक है पलट गए क्या सभी के सब हाँ तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमारी जो मास्टर क्लास होने वाली है हमारी जो मास्टर क्लास होने वाली है वो मास्टर क्लास साढ़े दस पर होने वाली है सभी लोग बिल्कुल कमर कस लेना मास्टर क्लास ज्वाइन करने के लिए सिविल एवी मास्टर क्लास जो होगी हमारी शाम साढ़े दस बजे होने वाली है जिसमें आपको जीतने का मिलेगा एक एक्साइटिंग प्राइज जो कि होगा लाइव कोचिंग के फॉर्म में वर्थ एट ठीक है डेली हमारी ये यह, यहाँ पर होने वाली क्लास है यहाँ पर ठीक है अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम सर प्रैक्टिस कहाँ से करें क्वेश्चंस की किस तरीके से करना है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं और हमें दिखाई देती है एक लिंक इस लिंक को क्लिक करने पर आपको मिलता है एक पास सेक्शन ओपन मिलता है अब ये जो पास है आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए एक ही पास आपका एलिजिबल होगा इसलिए नाम भी दिया गया है पास टेक्सट बुक पास जिसमें काफी सारे 530 प्लस एग्जाम कवर अप होंगे इनके प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे और काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पर अवेलेबल हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ हमें मिलता है यहां पर तो हम बात करते हैं ईयरली पास जब हम एक्सेस करते हैं तो नीचे अप्लाई कूप, कूपन आ रहा है और कूपन अप्लाइड करना है आपको क्या वी ए एस पी ए डबल एस जब आप कूपन अप्लाईड करते हैं तो 399 का पास आपको केवल थ्री सिक्सटी में मिलने वाला है तो इस तरीके से आप यहां पर पास भी एक्सेस कर सकते हैं अगेन हम बात करते हैं यहां पर पास एक्सेस करने के बाद कि हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन देखा हुआ था क्वेश्चन देखा हुआ था उसका आंसर क्या होगा ठीक है चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर हाउ ब्रिक्स आर जनरली यूज विद द पर्पज ऑफ अगर हम बात करते हैं हाउ ब्रिक्स आर जनरली यूज विदर्पज ऑफ तो अगर हम हॉलो ब्रिक्स सॉरी हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज विदर्पज ऑफ किसके कारण करते हैं हम प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट हीट के अगेंस्ट इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है ठीक है अगर हम बात करते हैं यहां पर तो गायत्री जी ने सही आंसर दिया हुआ है वीणा जी ने आंसर दिया हुआ है यहां पर वेरी नाइस थैंक यू टेक्निकल जी और अगर हम बात करते हैं कुमार पंडित जी ने आंसर दिया है यू के पी एस पेपर सॉल्व करा दो जेई का ओके बिल्कुल करा देते हैं सुमित जी सुमन जिन्ना जी ने आंसर दिया हुआ है अनुजी ने आंसर दिया हुआ है डेली जो अनुजी है इनका आंसर डेली रहता है बहुत बढ़िया हेमंत जी ने वर्मा जी ने आंसर दिया हुआ है कल्पना जी ने भी आंसर दिया हुआ है और सिंह जी ने भी आंसर दिया बहुत बढ़िया यार सभी लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ चलो अब हम वापस आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन पर ठीक है चलो तो ध्यान रखिएगा पास काफी रिटलरली काफी इंपॉर्टेंट होते हैं काफी स्टूडेंट से बात करने के बाद मुझे ये बात पता चली कि पास काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप पास एक्सेस जरूर कीजिएगा ठीक है और कोड लगाइएगा vs एस पी ए डबल एस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन नंबर ये गलत हो रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में गलत ना होना चाहिए क्या हुआ किस बारे में बात कर रहे हैं चाइना के लिए इज एन एग्जाम्पल ऑफ चाइना के लिए किसका एग्जाम्पल है चाइना के लिए एग्जाम्पल है का. किसका एग्जाम्पल है का अगर हम बात करें इलाइट का एग्जाम्पल क्या होगा एलुबियल सॉयल एलुबियल सॉइल किसका एग्जाम्पल हो जाएगा एलाइट का और बॉन्ट मेनोलाइट का क्या हो जाएगा ब्लैक कॉटन सॉयल हो जाएगा हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल हो जाएगा अच्छा केवली में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम बात करते हैं यहां पर तो आयोनिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड में भी जनरली पोटेशियम बॉन्ड पाया जाता है ठीक है और यहां पर क्या पाया जाता है वाटर बॉन्ड पाया जाता है या हम बात करते हैं बॉन्डर बॉल बॉन्ड पाया जाता है बॉन्डर बॉल बॉन्ड्स पाए जाते हैं तो ये सबसे वीकेस्ट होते हैं जिसके कारण इनका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन सबसे ज्यादा निकल करके आ रहा होता है तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल गई है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं सेवनटीन नंबर सेवनटीन नंबर बहुत बढ़िया सेवेंटी नंबर का आंसर दीजिएगा जल्दी से अ सॉइल हैज़ अ डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ फाइव इंटू टेन की पावर माइनस सेवन मीटर पर सेकेंड एंड अवॉइड रेशियो ऑफ पॉइंट फाइव द सीपीएस वेलोसिटी विल बी तो जब भी हमें सीपेज वेलोसिटी निकालना होता है तो सी वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी तो यहां पर वॉइड रेशियो दिया है ठीक है तो पोरोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा ई अपॉन वन प्लस ई इज इक्वल टू वन बाई टू अपॉन वन प्लस वन बाई टू निकल करके आएगा तो अगर हम बात करते हैं वन बाई टू और यहां पर कितना है ये थ्री बाई टू तो इज इक्वल टू कितना वन बाई थ्री निकल करके आ जाएगा और अगर वन बाई थ्री निकल करके आया तो हम लगा देंगे वी एस इज इक्वल टू कितना लगा देंगे वी एस इज इक्वल टू कितना लगा देंगे वी एस इज इक्वल टू हो जाएगा वी इन वी अपॉन एन एन की वैल्यू कितना हो जाएगा वन बाई थ्री तो कितना पंद्रह इन टेन की पावर माइनस सेवन मीटर पर सेकेंड तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एटीन नंबर की बात कर लेते हैं ठीक है एटीन नंबर की बात बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया चलो द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले एज पर आई एस क्लासिफिकेशन इज देखिएगा अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ये सेशन और कितने दिन चल पाएंगे क्योंकि पब्लिक आप लोग आ हैं नहीं रहे हैं कमेंट करते नहीं हैं तो कोई भी चीज़ नहीं हो रही है ठीक है जो लोग चाह रहे थे सेशंस वो भी अब यहाँ पर गोल होते जा रहे हैं लगातार रेगुलर रहने वाले भी तो द पार्टिकल साइज ऑफ क्ले एज पर आई एस क्लासीफिकेशन इज अगर हम आई एस क्लासीफिकेशन की बात करते हैं हाँ आई एस क्लासीफिकेशन की बात करते हैं तो आई एस क्लासीफिकेशन में डिफरेंट तरीके से सॉइल को क्लासीफाई किया गया एक तो हुआ है ग्रेवल एक तो हुआ है सेंड एक तो हुआ है सिल्ट ठीक है और अगर हम बात करते हैं यहां पर एक हो गया है हमारा क्या क्ले हो गया है तो अगर हम बात करते हैं तो ग्रेवल की बात करते हैं कितना 80 एम mm से लेकर के 4.75 पॉइंट mm. सेवन का कितना होता है 4.75 पॉइंट mm से लेकर के कितना 0.075 जीरो mm सेवन फाइव एम एम तक निकल करके आता है ठीक है जैसे सेवेंटी फाइव भी बोलते हैं इसका कितना होता है जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव एम एम से लेकर के कितना जीरो mm पॉइंट और क्ले का कितना? 0.002 एम mm निकल करके आ रहा होता है तो अगर हम बात करते हैं यहां पर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्ले के लिए लेस देन जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम ठीक है क्लियर है बात चलो क्लियर है बात चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की बात करते हैं अ अ सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ठीक है तो अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 40 परसेंट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ अरे ये मेरा नहीं मैनेजमेंट की तरफ से मेरे को कॉल आया मैंने आप लोगों के बोलने पर सेशन स्टार्ट करवाया था याद है आपको बीच में बंद हो गए थे ठीक है तो अगर हम बात करते हैं अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 40 परसेंट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ 30 परसेंट और फ्लो इंडेक्स कितना रखा है ट्वेंटी परसेंट रखा गया है ठीक है तो अगर हम ट्वेंटी परसेंट रखा गया है तो अगर हम बात करें तो करस्पॉन्डिंग टफनेस इंडेक्स वुड भी अगर करस्पॉन्डिंग टफनेस इंडेक्स की बात करें टफनेस इंडेक्स क्या होता है तो टफनेस अजय जी इतना गुस्सा मत होइएगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आई टी टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू कितना होता है आई पी अपन आई एफ निकल करके आ रहा होता है आई पी अपॉन आई एफ निकल करके आ रहा था और आई पी अपन आई आई की वैल्यू कितनी होती है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन आई एफ निकल करके आता है ठीक है तो लिक्विड लिमिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे फोर्टी माइनस थर्टी अपॉन आई की वैल्यू कितना ट्वेंटी तो हम डेसीमल में भी रख सकते हैं और डायरेक्टली भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों परसेंटेज में है ठीक है तो हम बात करें दस बटे बीस यानी पॉइंट फाइव निकल करके आ जाएगा अगर हम बताएं टफनेस इंडेक्स की वैल्यू अगर आई की वैल्यू लेस देन वन होती है तो सॉइल कैसी कही जाती है आई की वैल्यू लेस देन वन होता है तो सॉइल कैसा कहा जाता है फ्रीएबल ऑयल का है अजय जी इतना लाल पीले मत होइएगा गर्मी है वैसे भी ठीक है <laughs> तो हम बात करें फ्रीएबल सॉइलो बोला जाता है फ्रीएबल सॉइल उसको बोला जाता है ठीक है ठीके? तो उसको क्या बोला फ्रीएबल ऑयल या ब्रेकेबल ब्रेकेबल्स या कंबल्ड सॉइल बोला जाता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ट्वेंटी नंबर की बात चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को मिलाइएगा ठीक है लिस्ट वन और लिस्ट टू को मिलाइएगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं लिस्ट वन और लिस्ट टू को अगर हम बात करते हैं यहां पर तो यहां पर ग्राउंड वाटर की बात करते हैं ग्राउंड वाटर की बात ठीक है फ्रीएबल बट किस स्टेट में होगी स्वाइल वाह यार हर्षित क्या जवाब दिया आपने किस स्टेट में होगी स्वाय ग्राउंड वाटर की बात करते हैं ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर अब स्टेट तो आईपी पे भी डिपेंड करेगा ना ग्राउंड वाटर की बात करते हैं अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें ग्राउंड वाटर में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हार्डनेस और मिनरल्स मिले होते तो यहां पर ऑप्शन नंबर टू आंसर हो गया

चलो यहां पर आगे बढ़े ठीक है लेकिन आपके जो डाउट है वो टेलीग्राम के थ्रू सॉल्व होते रहेंगे ठीक है जो भी डाउट रहेंगे वो टेलीग्राम के थ्रू सॉल्व होते रहेंगे अगर होता है कुछ तो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ट्वेंटी वन की बात करते हैं द टाइप ऑफ वॉल्व विच अलाउ वॉटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन अगर हम बात करते हैं एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने की बात करते हैं ठीक है इन वन डायरेक्शन बट प्रिवेंट्स इट फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन इज़ रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो को अगर हम बात करते हैं रोक रहा होता है वो कौन से बॉल्ब होते हैं वो कौन से बॉल्ब होते हैं ठीक है तो अगर हम बात करते हैं कौन से बॉल्ब कहे जाते हैं तो अगर हम बात करते हैं स्लुस बॉल्ब स्लुस बॉल्ब के और नाम क्या है स्लुप्स बॉल्ब के नाम है गेट बॉल्ब है सुलुस बॉल्ब का नाम है कट ऑफ बॉल्ब है सुलुस बॉल्ब का नाम है स्टॉप बॉल है मतलब पानी का जो सप्लाई है वो कट कट ऑफ करने के लिए पानी की सप्लाई है जो उसको कट ऑफ करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं स्लुस बॉल प्रेशर रिलीफ करने के लिए कौन सा प्रेशर रिलीफ बॉल्ब और एयर रिलीफ बॉल एयर को रिलीफ करने के लिए कहते हैं जबकि अगर हम रिफ्लक्स बॉल्ब की बात करें तो इसको नॉन रिटर्निंग बॉल्ब भी बोलते हैं नॉन रिटर्न भी बोलते हैं और इसको क्या बोला जाता है चेक वॉल्व भी बोला जाता है तो हम बात करते हैं नॉन रिटर्न एक साइड पर ही पानी जाएगा पानी लौट करके नहीं आएगा या कोई भी फ्लूट जाएगा एक साइड पर जाएगा दूसरी साइड पर लौट कर नहीं आएगा तो हमारा रिफ्लक्स वॉल हो जाता है ठीक है बहुत बढ़िया चलो अरे क्यों परेशान हो रहा है बच्चों एक सेशन तो रहेगा चलो आगे बढ़ते अरे यहां पर पहले ध्यान दो सबसे लास्ट में इसकी बात कर लेंगे अभी पहले यहां ध्यान दो आज ज्यादा सवाल करना है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो जो ये सारे यूनिट रख रहा होता है ठीक है अगर हम बात करते हैं अदर वॉल्व भी बता तो दिए सारे के सारे वॉल्व अगर एयर रिलीफ करना है तो एयर रिलीफ प्रेशर को रिलीव करना है जैसे वाटर हैमर का जो प्रेशर बनता है उसको रिलीव करना है तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व होता है ठीक है और जब पानी की सप्लाई कट ऑफ करना है तो कट ऑफ वॉल्व या सुलुस वॉल्व यूज़ करते हैं ठीक है चलो तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ मेनली कंसिस्ट ऑफ अगर हम बात करते हैं सीवेज अरे अरे अजय जी अरे बस 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 बाल लाओगे यहां पर तुम तो नदियां भा दोगे चलो तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात कर रहे हैं मेनली कंसिस्ट ऑफ अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो मेनली क्या कंसिस्ट रहा होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो मेनली कंसिस्ट कर रहा होता है वो क्या होता है ये स्क्रीनिंग ये सारी यूनिट रखता है तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगी स्क्रीनिंग निकल करके आएगी फिर क्या निकल करके आता है ग्रिड रिमूवल निकल करके आता है फिर क्या निकल करके आएगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन फिर क्या होगा हमारा एरिएशन हो जाएगा और फिर क्या निकल कर आएगा सबसे लास्ट में सेडिमेंटेशन निकल के आएगा तो वन टू फाइव फोर थ्री निकल करके आएगा तो ऑप्शन नंबर वन टू फाइव फोर थ्री ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तेईस विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉलिटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक फोटोकेमिकल स्मोक को बनाने के लिए कौन सा यहां पर रिएजेंट अवेलेबल होगा ठीक है कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा कौन सा पॉलिटेंट तो देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन और परोक्सी एसिल नाइट्रेट पी एन पेन तो ये तीनों कौन से होते हैं सेकेंडरी पॉलिटन्स होते हैं और मेनली सेकेंडरी पॉलिटन्स कुछ प्राइमरी पॉलिटन्स और सेकेंडरी पॉलिटन ये सारे किसके लिए होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव ऑल ऑफ द एबव ओजोन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ये हम बोल सकते हैं लेकिन बाकी तीनों भी हमारे हम तीनों जो बात कर रहे हैं तो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल कहे जाते हैं लेकिन ओजोन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ये हमारा आंसर हो सकता है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्या है ओजोन है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ओजोन है लेकिन बाकी सेकेंडरी पॉलिटेंट्स भी फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाँ मेजर ओजोन होता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर स्क्रैप वैल्यू इज जनरली कंसीडर्ड टू बी इतना परसेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अगर हम स्क्रैप वैल्यू की बात करें तो कितना लिया जाता है कितना लिया जल्दी ठीक है थीके? कहीं पर इसका आंसर दो दिया है बिल्कुल दिया है मैंने भी देखा है कई जगह पर इसका आंसर दो दिया है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कितना लिया गया है टेन परसेंट लिया गया है कितना लिया था टेन परसेंट डायरेक्टली स्क्रैप वैल्यू जो कैपिटल कॉस्ट होता है उसका टेन परसेंट कंसिडर किया जाता है अगेन स्क्रैप वैल्यू होता क्या है जब हम यूजफुल लाइफ के बाद बेचते हैं विद विद डिसमेंटलिंग आफ्टर डिसमेंटलिंग अगर हम <coughs> सॉरी आफ्टर डिसमेंटलिंग अगर हम बेच रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं स्क्रैप बोलते हैं और सेलवेज क्या होता है सेलवेज अगर हम सेलवेज की बात करें तो डिसमेंटलिंग अगर हम बात करते हैं डिसमेंटलिंग अगर हम बेच रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं विदाउट डिसमेंटलिंग अगर हम बेच रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं विदाउट डिसमेंटलिंग जब बेच रहे होते हैं तो उसको सेलवेज सैलवेज वैल्यू बोल बोला जाता है क्या जाता है सेलवेज वैल्यू बोला जाता है स्क्रैप और सेलवेज में अंतर क्लियर है बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आदर्श कहाँ गया आज आदर्श नहीं दिख रहा है चलो यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज शटर इज डोर्स और विंडो के शटर्स जो होते हैं जो पैनल होते हैं डोर्स एंड विंडो के शटर जो होते हैं पैनल होते हैं उनके लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है कितना होता है मीटर स्क्वायर तो उनके लिए यूनिट ऑफ पेमेंट भी कितना होता है मीटर स्क्वायर निकल कर क्या आता है तो यूनिट ऑफ़ पेमेंट कितना निकल कर मीटर स्क्वायर क्या सभी यूनिट के लिए अगर हम बात करते हैं कंक्रीट जब आरसीसी की बात करते हैं तो उसके अंदर रेनफोर्समेंट निकलता है उससे हम बात कर रहे हैं उसके कारण स्क्रैप निकालते हैं ठीक है तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा एक और चीज क्या सभी सभी यूनिट जो हम क्वांटिटी निकाल रहे होते हैं उन सभी के यूनिट ऑफ पेमेंट और यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होते हैं क्या सभी के यूनिट ऑफ पेमेंट और यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होते हैं क्या जितनी भी क्वांटिटी निकाल रहे हैं उनके सभी के यूनिट ऑफ मेजरमेंट और यूनिट ऑफ पेमेंट सेम होते हैं क्या नहीं होते हैं हाँ फ्रेम के लिए मीटर क्यों हो जाता है फ्रेम के लिए मीटर क्यों हो जाता है जो पैनल लगते हैं अंदर पैनल के लिए मीटर स्क्वायर होता है फ्रेम के लिए मीटर क्यों हो जाता है फ्रेम के लिए मीटर क्यों हो जाता है बेटा फ्रेम के लिए मीटर क्यों हो जाता है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं नहीं होते हैं दोनों के यूनिट सेम नहीं होते हैं कई कॉश्चंस अगर हम देखें तो कई जगह पर यूनिट ऑफ पेमेंट और यूनिट ऑफ मेजरमेंट दोनों डिफरेंट हो सकते हैं सेम क्वांटिटी के लिए यूनिट ऑफ ठीक है मेजरमेंट और यूनिट ऑफ पेमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं ठीक है स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द टेस्ट अरे क्यूब बताया तो जब फ्रेम की बात करते हैं फ्रेम फ्रेम के केस में हम क्यूब लेकर के चलते हैं और पैनल की बात करते हैं तो पैनल के केस में मीटर स्क्वायर लेकर चलते हैं फर्नीचर के केस में कितना लेकर चलते हैं मीटर क्यूब लेकर के चलते हैं क्लियर है बात अब चलो आइडेंटिफाई द टेस्ट दैट इज नॉट कॉमनली यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल्स अबग्रेड इन हाईवे पेमेंट हाईवे पेमेंट के लिए बात करते हैं जल्दी से बताइएगा यार जल्दी से बता दो तो ध्यान दीजिए कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मतलब सीबीआर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है बिल्कुल किया जाता है प्लेट बियरिंग टेस्ट मॉड्युलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकालते हो मॉड्युलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन यह भी किया जाता है ट्राई एक्शन कम्प्रेशन टेस्ट ट्राई एक्शन मेथड पढ़ रहे होते हो यानी ट्राई एक्शन मैथड में ट्राई एक्शन कम्प्रेशन टेस्ट सकते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट ये सॉइल मैकेनिक्स के अंदर या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर हम यूज करते हैं और किस लिए कोहेशन लेस की प्रॉपर्टी निकालने, निकालने के लिए कोहेशन लेस की प्रॉपर्टी निकालने के लिए कोहेशन लेस के लिए जनरली यूज किया जाता है तो हम ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर बहुत बढ़िया 1858 बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन

मीटर चेन के लिए हमारे प्लस माइनस थ्री मीटर और अगर हम बात करें प्लस माइनस टू एम एम लिए एवरी मीटर एवरी मीटर जब हम कर रहे हैं तब एवरी मीटर चेन के लिए कितना होता है वो होता है प्लस माइनस टू एम एम निकल करके आता है ठीक है ठीक है चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अट्ठाईस नंबर इफ एट द प्लेस इफ एट द प्लेस अगर हम बात करते हैं एट द प्लेस द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ सन ऑफ नून इज वन एटी टू डिग्री थर्टी सेकेंड 182 एटी टू डिग्री थर्टी मिनट हम ले करके जाए तो मैग्नेटिक डिक्लीशन निकाला तो देखो अगर हम बात करते हैं आफ्टरनून में तो आफ्टरनून में या तो सन होता है ज्ञान सिंह जी बिल्कुल ज़रूरत है लगा लीजिएगा चलो तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो अगर हम बात करते हैं यहां पर जो निकल करके अगर हम आते हैं तो हम बात करते हैं यहां पर ट्रू मेरेडियन के टाइम पे जो सन एंगल बनाता है वो ट्रू नॉर्थ से कितना बना रहा होता है वो बियरिंग जो बनती है वो 180 डिग्री बन करके आती है, आती है। कितना और यहां पर कितनी है वन डिग्री मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ कुछ इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक नॉर्थ इस डायरेक्शन में होगा तो यहां से यहां तक का एंगल कितना बना करके आ रहे हैं वन डिग्री थर्टी मिनट निकल करके आ रहा है तो मुझे बता दो ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव आएंगी और निगेटिव एक ही आंसर है अब चेक कैलकुलेट करने की जरूरत है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. करना है तो कर लो अगर हम बात करें मैग्नेटिक आएगा टू डिग्री थर्टी मिनट निकल के आएगा और वेस्ट साइड पे है, इसलिए निकल कर के आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ठीक है चलो क्लियर है बात क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं, हैं right है जल्दी से आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट को बताइएगा चलो यहां पर हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट देखो तुम्हें भटकाने के लिए कोई आया और तुम वहां भटक गए सारे को ही कमेंट कर रहे हैं मतलब चलो कैसी कैसी है चलो तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेमिनार पाइप फ्लो कंडीशन है और लैमिनार पाइप फ्लो कंडीशन में अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू कितना होता है अगर हम फ्रिक्शन फैक्टर की बात करें तो 64 फोर अपॉन आर ई निकल करके आता है 64 फोर अपॉन आर ई निकल करके आता है और अगर 64 फोर अपॉन आर ई निकल करके आता था है था तो ध्यान रखना कि ये तो जो अगर हम बातें अगर हम बात करें तो यहां पर फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिनोल नंबर तो फ्रिक्शन फैक्टर कॉन्स्टेंट होगा नहीं होगा डिनोल नंबर के साथ वेरी कर सकता है फ्रिक्शन फैक्टर डिपेंड्स ऑन द द पाइप रफनेस पर डिपेंड किसने में करता है इन टर्बुलेंट फ्लो टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन में टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन पर किस पर डिपेंड करता है पाइप रफनेस पर डिपेंड करता है ठीक है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन में हमारा क्या होता है पाइप रफनेस पर डिपेंड करता है ठीक है हाँ मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस तुम इतनी स्ट्रेस ले रहे हो कि तुम अब मुझ पे ही इल्ज़ाम डाल दो अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल आप तो हमारे कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो ठीक है ऐसी ही बात कर रहे हो तो अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल आप तो हमारे कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो चलो तो अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शन फैक्टर बैरीज इनवर्सली विद द विदोट नंबर फ्लो की कंडीशन में इनवर्सली बैरी करता है तो ये ट्रू स्टेटमेंट है और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है पैराबोलिक ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया सही थ्री और फोर सही हो गया तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ठीक है बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नंबर की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं यहां पर छब्बीस अब बहुत पीछे चला गया है आप एक काम करना स्क्रीन शॉट लेना टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर लेना सावंत राव जी क्लियर है बात चलो बहुत पीछे चला गया बेटा द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन recommends दैट द आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन gauges इन अ फ्लैट रीजन शुड बी एट रेट ऑफ वन स्टेशन फॉर अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग तो उसके अकॉर्डिंग जो आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन है रेन गेजेस का फ्लैट रीजन में वो कितना होना चाहिए फ्लैट रीजन में कितना होना चाहिए तो फ्लैट रीजन की बात करें कितना होना चाहिए वन स्टेशन फॉर सिक्स टू नाइन किलोमीटर स्क्वायर सिक्स टू नाइन किलोमीटर स्क्वायर के लिए कितना होना चाहिए वन किलोमीटर और अच्छा आई की बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए वन स्टेशन फॉर फाइव किलोमीटर स्क्वायर एरिया वन स्टेशन फॉर फाइव ट्वेंटी किलोमीटर स्क्वायर एरिया फ्लैट ट्रेन के लिए वहां पर इतना निकल करके आ रहा होता है तो हम बात करते हैं हमने आईएमडी के अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू यहां पर चेक कर लिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं थर्टी वन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ अगर हम बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ ठीक है तो अगर हम बात करते हैं ब्रिक अर्थ की प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहला ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या निकल के आता है सबसे पहला ऑपरेशन होता है अनसॉइलिंग मतलब जो ऊपर की रफ़ सरफेस है सॉयल की वो हटा दो उसके बाद हम क्या निकाल करके आते हैं उसके बाद हम करते हैं डिगिंग यानी खुदाई करते हैं मिट्टी निकालने की खुदाई करते हैं फिर हम क्या करते हैं उसके बाद उसके बाद करते हैं वेदरिंग उसकी सफाई करते हैं ठीक है जो भी लम्ब्स वगैरह है उनको हटा देते हैं ठीक है फिर उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं फिर हम करते होते हैं ब्लैंडिंग ब्लैंडिंग मतलब मिक्सचर प्रिपेयर करना ब्लेंडिंग मतलब मिक्सचर प्रिपेयर करना और उसके बाद हम क्या करते हैं टेम्परिंग और टेम्परिंग किसकी मदद से करते हैं पग मिल पग मिल की मदद से टेम्परिंग करते हो यानी पग मिल की मदद से क्या कर रहे होते हो आप टेम्परिंग कर रहे होते हो और फिर बचा क्या मोल्डिंग तो मोल्डिंग करने के बाद फिर हम करते हैं वर्निंग और बर्निंग करने के बाद हम सीधा सीधा उनको निकाल लेते हैं तो हम मोल्डिंग और बर्निंग तो हमारा प्रोसीजर क्या हो गया है अब हम देख लें प्रोसीजर क्या हो गया तो हम बात करते हैं एफ़ को हम बात करेंगे वन फिर हम बात करेंगे डिगिंग फिर हम बात करेंगे क्या तो एफ ए देखो सबसे पहले एफ ए कहाँ मिल रहा है दो जगह मिल रहा है ये तीन जगह मिल रहा है ठीक है फिर उसके बाद क्या आया हमारा वैदरिंग आया वैदरिंग आया तो कहाँ मिल रहा है हमारा, तो हमारा? तीसरे नंबर पे तो बैदरिंग कहाँ मिल रहा है ऊपर दो में मिल रहा है फिर हम बात करते हैं क्या आया हमारा हमारा आया ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग की नंबर चार फिर उसके बाद क्या आया है हमारा फिर हमारा आया है टैंप सॉरी फिर हमारा क्या आया मोल्ड टेम्परिंग आया सॉरी ब्लेंडिंग के बाद टेम्परिंग आया टेम्परिंग आया तो कौन सा आ गया है ई और डी तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आंसर ए आंसर हो गया है ए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी टू नंबर द स्लंप टेस्ट की बात करते हैं स्लंप टेस्ट की बात कर रहे हैं तो स्लंप टेस्ट की बात कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग आउट द वर्केबिलिटी इन कॉन्क्रीट द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट एक्सीड स्लम टेस्ट के लिए फाइंडिंग आउट द वर्कविल इन कंक्रीट मैक्सिमम साइड ऑफ एग्रीगेट कितना होना चाहिए तो हम बात करें मैक्सिमम साइड ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी मोर देन 38 एट mm. 38 एम mm एम से ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों 38 एट mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए अजय जी भाग गए क्या अजय जी कहाँ गए गुस्सा हो क्या चलो हैं बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की बात करते हैं द मॉस्चर कंटेंट ऑफ टेम्बर यूज इन बिल्डिंग फ्रेम्स कैन भी जो बिल्डिंग फ्रेम्स पर मॉस्चर कंटेंट यूज होता है तो हम बात करते हैं आई एस टू एट्टी सेवन के अकॉर्डिंग आई एस टू एट्टी सेवन के अकॉर्डिंग नाइनटीन नाइनटी थ्री था या एट्टी थ्री था जल्दी बताओ आई थिंक नाइन्टी थ्री था ठीक है इसको एक बार कंफर्म कर लेना 93 था या 83 था ठीक है तो आई एस टू एटी सेवन नाइनटीन नाइन्टी थ्री के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 8 परसेंट से लेकर के 16 प्रतिशत तक होना चाहिए 8 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक होना चाहिए तो 8 से 16 के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो क्या रही है ऑप्शन नंबर टू आठ से बारह प्रतिशत आंसर निकल करके आएगा आठ से बारह प्रतिशत आंसर निकल करके आ जाएगा आठ से बारह प्रतिशत आंसर निकल करके यहाँ पर आ जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर बीस द राइट आंसर और जो रिकमेंडेड वैल्यू है वो डोर्स के लिए कितनी है बारह से बीस प्रतिशत विंडो के लिए कितनी है दस से बीस प्रतिशत जो रिकमेंडेड वैल्यू है डोर्स के लिए है वो बारह से बीस प्रतिशत और विंडो के लिए जो है वो दस से बीस प्रतिशत है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखें तो एट टू ट्वेल्व इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फोर नंबर सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मोल्टन मैग्मा एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा मोल्टन मैग्मा का जो सॉलिडिफिकेशन है एट द अर्थ सरफेस पे वो किस तरीके से होता है तो अगर सॉलिडिफिकेशन मोल्टन सरफेस का यहां पर सरफेस पे हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक और अगर सॉलिडिफिकेशन अंदर हो रहा है को अंदर हो रहा है उल्टे सीधे क्या मैं रॉन्ग हूं क्या हो गया भैया अरे विंडो एंड डोर्स के फ्रेम के लिए बोल रहा हूं भैया क्या बात कर दी यार मैंने गलत बोल दिया कुछ क्या जोश जोश में चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कि जो हमारा एक्सक्लूसिव होता है वो एक्सक्लूसिव क्या होता है सरफेस पे आकर के जमरा होता है ठीक है और अगर हम बात करते हैं यहां पर जो अंदर जमरा होता है उनको इंक्लूसिव बोलते हैं तो अगर हम बात करते हैं वेलास बैला, एंड जो होते हैं वो एक्सट्रूसिव एक्सक्लूसिव रॉक के टाइप होते हैं तो हम बात करते हैं बाहर आकर के और ग्रेनाइट जो क्या है वो इंट्रूसिव है ग्रेनाइट जो है इंट्रूसिव सेडिमेंट्री एंड मोटामॉर्फिक अलग निकल करके आते हैं सेडिमोट्री एंड मोटामॉर्फिक निकल करके आते हैं ठीक है चलो नॉर्मल नॉर्मल टू होता होता है 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 जनरली के अकॉर्डिंग मैंने बोला से ठीक लेकिन अगर हम बात करें तो ऑप्शंस देखें तो वहां पर एट टू ट्व परसेंट मिल रहा था अब हम बात करते हैं जो रिकमेंडेड वैल्यू है किसके लिए इन जनरल रिकमेंडेड वैल्यू है तो वो कितना बारह से बीस परसेंट डोर्स के फ्रेम के लिए हो जाती है और विंडो के फ्रेम के लिए दस से बीस परसेंट हम लेकर चल रहे होते हैं तो इतनी चीज मैंने वहां पर बताई है अब क्या बताया और ठीक है तो वो हमने यहां पर बात की है तो यहां पर याद रखना है एट टू ट्वेल्व परसेंट जनरली आंसर बस चलो नमस्ते चलो तो थर्टी फाइव नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आपको आंसर देना है होमवर्क में ये आपको आंसर देना है होमवर्क में कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर देना है ठीक है कमेंट सेक्शन में सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा तो बिट्टू जी की इच्छा पूरी होगी थर्टी फाइव पूरे हो गए या नहीं हाँ थर्टी क्वेश्चन मूड खराब कर देता है चलो कोई दिक्कत नहीं तो हम बात करते हैं यहां पर होमवर्क में आपको यहां पर मिलने वाला है तो साढ़े ग्यारह बजे मास्टर क्लास सभी सॉरी साढ़े दस बजे मास्टर क्लास सभी लोग ध्यान रखिएगा मास्टर क्लास में हम मिलने वाले हैं ठीक है चलो थैंक यू एवरी थैंक यू गुड नाइट अभी कहाँ गुड नाइट